नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 मई के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जून काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि यश में शुक्रवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के नाम से सिद्ध है और यश में इन्हीं देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन काल में बड़े ही शुभ चमत्कार होने वाले हैं जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि यश में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी जो से जुड़ी पेशों को लेकर जो भी दिक्कतें हैं खत्म होने वाली है। घर में यश में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर भी आपको कार्य में वृद्धि होने वाली है। आपके कार्य ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। जी दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यश में माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नए सोच विचार आने वाले हैं। नए आइडिया आपके मन मस्तिष्क में आने वाले हैं और उनमें आप यश में अच्छी सफलताएँ कमाने वाले हैं जिनसे दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान होगा। घर में लोग आपको इज्जत देंगे। आपको बता दें कि यश में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बहुत ही शुभ संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं जिनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। जी दोस्तों यूँ कहें तो यश में ग्रहों की स्थिति और इन देवियों की कृपा से आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छी स्थिति आने वाली है। जी दोस्तों तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का और माता रानी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आपके आत्मविश्वास की सक्षम आपके प्रतिद्वंदी प्रास्त रहेंगे। बच्चों को प्रतियोगिता संबंधी कार्य में भी अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए यश में फायदेमंद साबित होने वाले है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों आलस व फिर सुस्ती हावी होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज न करें क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी अत्यंत ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों उनकी समस्या यश में बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके मूड में आ रहे बदलाव की वजह से आपको छोटी तकलीफ से भी बड़ी नज़र आ रही है। दोस्तों नकारात्मक विचार अधिक रहने की वजह से आप खुद को और दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। पैसे संबंधित चिंता आपकी गलती की वजह से बढ़ेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी आपके बर्ताव के कारण हो सकती है तो दोस्तों इस बात का भी यश में ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है। जो लोग आपके खिलाफ थे यश में वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफी हद तक सुधार होगा। यश में सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों अगर किसी के साथ कोई जो है वायदा किया है तो दोस्तों यश में उसे अवश्य पूरा करें नहीं तो दोस्तों समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। कुछ लाभदायक मौके भी यश में आपके हाथ से निकलने की आशंका लग रही है। दिखावे की प्रवृत्ति से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए और आपके दिनचर्या के लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन संबंधी सभी बातों में यश में आपको संतुलन महसूस हो सकता है। दोस्तों यश में आपका सकारात्मक तरीके से आप जो भी वक्त बिताएंगे भले ही यश में आप बड़ी प्रगति ना देख पाए फिर भी दोस्तों मन जो है आपका यश में आनंदित रहने वाला है। दोस्तों किसी व्यक्ति या फिर मित्र की अचानक से मुलाकात होना
आपको यशमय आनंद दिला सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच भी अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत भी करा सकते हैं। दोस्तों यशमय बसों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन भी यशमय प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय हल्की बल्कि जो है परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों इनके बावजूद आप जो है अधूरे काम को यशमय संपन्न कर पाएंगे। सिर्फ दोस्तों तनाव को जो है आपको अपने ऊपर हावी न होने देना है। और दोस्तों पारिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग भी यशमय आपको चिंता मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि खुद के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरों को बता पाना या फिर दूसरों के द्वारा हो रही तकलीफ के योग मार्ग से प्रकट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है मानसिक तनाव बना रहेगा। दोस्तों किस व्यक्ति पर आपको विश्वास रखना चाहिए ये तय करना यशमय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों यशमय आप हो सके तो किसी पर ही विश्वास ना करें, खुद पर ही विश्वास करके अपने कार्यों पर जो है कार्य करें। आपको बता दें कि दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी इनके योग भी बन रहे हैं, परंतु दोस्तों यात्रा करते समय सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी बच्चे की प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में भी सफलता मिलने से घर का जो माहौल होगा खुशी भरा माहौल रहने वाले हैं। ध्यान रखें दोस्तों यशमय किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है, इसलिए दोस्तों घर के सदस्य जो है आपस में ही मिलजुल कर घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों पड़ोसियों के साथ किसी मतभेद से बचने के लिए जो है औपचारिक व्यवहार ही रखना आपके लिए यशमय ठीक रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अविवाहित लोगों के लिए यशमय कुछ खास समय रह सकते हैं। विवाह के बारे में जो भी लिए गए प्रयत्न हैं आपको अचानक ही यश की प्राप्ति होगी। यदि आप जो है रिलेशनशिप में हैं तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप परिवार द्वारा मंजूरी मिलने की वजह से आपको यशमय आनंद की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों यशमय जो है महिलाओं की वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या फिर डील होने की संभावना यशमय बन रही है। पेमेंट संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। यशमय आपको जो है अपने व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट करने से फायदे भी हो सकते हैं। दोस्तों हो सके तो इन पर भी अगर आपका बजट है तो इन पर भी आप ध्यान यशमय दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि यशमय आपकी आर्थिक स्थिति जो है सामान्य ही रहेंगी। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाने से आपको जो है व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। यशमय दोस्तों कर्ज लेने की स्थिति भी बन रही है। दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे उधार लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना ही पैसे को उधार लें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। वर्तमान समय की वजह से अपने काम करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों को मजबूत करने में ज़्यादा ऊर्जा लगाएं। यशमय किसी भी नए काम में रिस्क ना लें, ये आपके यशमय व्यवसाय के लिए बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने की जो नीति है यशमय कामयाब रहेंगी और सफलता भी यशमय आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अपना टारगेट पूरा करने से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों आप अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा। दोस्तों यशमय परंतु यशमय आपको भी अपने स्वभाव में और अधिक सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए आवश्यक होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों पारिवारिक वातावरण यशमय सुखद रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई संतोषजनक स्थिति रहने से आपको सुकून की भी प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और दोस्तों यशमय पुराने दोस्तों से ज़्यादा मेल मिलाप रखना आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए इनसे आपको सावधान रहने की यशमय ज़रूरत होगी। और इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए आपके पारिवारिक
जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में यशोमय नैदिक्यां भी आने वाली है, परंतु विवाहतर संबंधों से यशोमय दूर रहें, अन्यथा आपकी ही मान हानि हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय, अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों थकान की वजह से यशोमय सर्वाइकल या फिर कंधों में बदन में आपका दर्द हो सकता है, इसकी स्थिति बन रही है। पौष्टिक खान पान या फिर उचित आराम लेना आपके लिए यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। तो दोस्तों काम के साथ साथ जो है आप आराम भी जरूर करें। इसको उपरांत यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे तो आपको बता दें कि त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी की समस्या जो है जिसको है वह समस्या इसमें बढ़ सकती है। दोस्तों ठंड भरे वातावरण से अपना बचाव करें, ये आपके लिए इसमें स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा। बशर्ते दोस्तों मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन या फिर ध्यान में समय को व्यतीत करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं।